हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन नंबर हमने 46 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 47 से करेंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, जिस पॉइंट के बारे में मैंने उसको मेंशन करता हूं आपको। इसमें हमने पिछले क्लास में एक स्टडी किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ सीएपीएम। सीएपीएम का मतलब था कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो यह फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा आरएफ माइनस आरएफ। तो ये पोर्टफोलियो में बहुत डिटेल में स्टडी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसको कहा जाता है आरएफ को कहा जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इसको हम कभी कभी बॉन्ड यील्ड भी कहा जाता है, बॉन्ड यील्ड। ठीक है, अब देखिएगा, दूसरा होता है आरएम, रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो, रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो, रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब बिना किसी रिस्क का हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, और आरएम का मतलब एवरेज रिटर्न मार्केट का क्या है उसको हम कहा जाता है। तीसरी पॉइंट आपको क्या जाननी है, आरएम माइनस आरएफ इसको कहा जाता है मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद। जैसे मान लो हमने बिना किसी रिस्क का 8% इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो 15% कमाएंगे। तो ये 7% जो एक्सेस होगा इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट में इन्वेस्ट करने से इतना ज्यादा मिलेगा, मार्केट रिस्क प्रीमियम। और यहाँ पे एक और पॉइंट, अगर बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आर एम माइनस आर एफ हो जाएगा, तो इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम इसको कहा जाता है रिस्क प्रीमियम। तो ये सारी पॉइंट्स आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, आगे वाली क्वेश्चंस में इस टाइप की कॉन्सेप्ट आएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, हमने 46 तक पिछले क्लास में किया था, आज 46 के बाद करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड मार्केट रिटर्न आपको 18% और बीटा आपको कितने 0.4। तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा और 14% आपका आंसर हो जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 18% एंड मार्केट रिटर्न दिस बीटा आपको 0.4 दिया है। स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इतना फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फिर गिवेन द यील्ड ऑन द डेब्ट, यील्ड ऑन द डेब्ट जो है ये आपका रिस्क फ्री है, ये आपका रिस्क फ्री है। एंड रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम 5%। तो मैंने आपसे क्या कहा था, बीटा आरएम माइनस आरएफ को हम क्या कहते हैं, रिस्क प्रीमियम कहते हैं। तो ये रिस्क फ्री हो गया, रिस्क फ्री हो गया, और ये रिस्क प्रीमियम होता है, ये तीनों को ऐड किया ये कर देता है, इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम। तो अगर ये और रिस्क प्रीमियम को ऐड किया जाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम निकाल सकते हैं। तो दिस प्लस रिस्क प्रीमियम दैट इक्वल टू 15%। ठीक है, अब गिवन द यील्ड ऑन द डेब्ट, यील्ड ऑन द डेब्ट का मतलब ये आपका रिस्क फ्री हो जाता है, डेब्ट का रिटर्न। एंड द रिस्क प्रीमियम आपको कितनी है, 12%। तो इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, 14%। अब देखिएगा यहाँ पे, एज पर अ जजमेंट रिस्क प्रीमियम, एज पर अ जजमेंट टल रिस्क प्रीमियम टू द ऑब्जर्व्ड यील्ड ऑन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफ द फर्म एडेड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बॉन्ड यील्ड को हम किससे ऐड कर रहे हैं, रिस्क प्रीमियम से ऐड कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम।
तो इसको हम कहेंगे बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड से जो हम कमाते हैं, डिवेंचर भी रिस्क फ्री माना जाता है, बॉन्ड यील्ड, दिस इज अ बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, दिस इज अ रिस्क प्रीमियम। तो ये रिस्क प्रीमियम प्लस बॉन्ड यील्ड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो ये आपका 51 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, अ कंपनी हैज 5000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, करंट मार्केट प्राइस इज 95, मार्केट प्राइस आपका 95 है, द करंट डिविडेंड, अभी का डिविडेंड कितनी है, 4.5 है, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6% है, तो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमने डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच से केई का D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस दिस, ये फॉर्मूला हमने बनाया और 11.02 आपका आंसर हो गया, ये बी पार्ट। ठीक है, ये स्टेट क्वेश्चन दिया हुआ है, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन वैरी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्म जी, एग्जैक्टली अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेप्ट प्रेफरेंस इक्विटी होता है, डेप्ट प्रेफरेंस और इक्विटी, अगर इक्विटी की कॉस्ट हाई होता है, इसकी कॉस्ट लो होता है, अगर इसमें चेंजेस कहा जाए, मैंने डेब्ट का पैसा कम उठाया जाए, इक्विटी से पैसा ज्यादा उठाया जाए, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा, अब वह कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट जो हो जाएगा, उसकी चेंज, कैपिटल से हम चेंज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका चेंज हो जाएगा। एकदम सही है, ट्रू है। अब देखिएगा, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर, किसका फॉर्मूला है, अर्निंग प्राइस रेशियो का फॉर्मूला है, मैंने क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या होता है, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इज द अर्निंग प्राइस रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज करंटली 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, अर्निंग दिस ईपीएस कितनी, एक अर्निंग कितनी है कंपनी का, 150,000 है, इट्स मार्केट प्राइस इज 112 The EPS expected to grow आपको 5%, growth rate आपकी 5% है, तो इस केस में cost of equity निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 150,000 equity share है, 150,000 EPS earning है, और 10,000 equity share है, तो EPS कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। Expected EPS कितना हो जाएगा, this 5% growth के साथ इतना हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड डीपीएस मार्केट प्राइस पर से दिस 14%, तो आपका 14% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है, क्रिटिका लिमिटेड करंटली फाइनेंस विद द 1 लाख 10 लाख 10 लाख ऑफ 7% बॉन्ड एंड 20 लाख कॉमन स्टॉक, द स्टॉक हैज अ बीटा 1.5 and the risk free rate of return 4% and market risk premium 3.5, इसका मतलब क्या होता है, RM minus RF, market risk premium को RM minus RF, the market tax rate is 35%, what is the critical weighted average cost of capital, तो weighted average cost of capital का formula बताया था, KD weighted E, तो आपको सबसे पहले weight दोनों का निकालना पड़ेगा, कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट, ये फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे एक आपको 10 लाख है, दूसरी आपकी 20 लाख है, ये आपका 30 लाख हो जाएगा, तो इसकी वेट कैसे होगा, 1/3, 2/3 ऐसे वेट होगा, तो आपका यहाँ पे डेप्ट ये है, इक्विटी है, तो वेट ऐसे निकल गया, कॉस्ट ये है वेट ये है, तो 7.6 आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, 57 में क्या, अ फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड ऑन रिटेन अर्निंग सो दैट इट मे बी that the retain earning have no cost, ये आपकी false statement है। Retain earning equity का funds होता है, जो company में होता है वो expect करता है, उस पर cost लगता है। ठीक है, तो ये false statement है, जो retain earning है इन्होंने कहा उस पर कोई cost नहीं लगता है, retain earning पे cost लगता है। ठीक है,
देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व इन द फर्म्स रिटर्न अर्निंग. यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व करता है रिटर्न अर्निंग. एंड एन एस्टिमेटेड टू द कॉस्ट मे बी टेकन एज अ मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिटर्न अर्निंग. ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा. द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आर ऑफ्टन टेकन एज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होता है जब फ्लोटिंग कॉस्ट आपके पास नहीं होता. जब फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इक्वल होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 60. द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट. मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ डेप्ट वेट ऑफ डेप्ट. फिर इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस वेट ऑफ प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी. तो यहाँ पे वेटेड एवरेज है सबका, तो इसीलिए क्या कहा जाता है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. ये वाला आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब देखिएगा वेटेड एवरेज यहाँ पे इज कैलकुलेटेड ऑफ ज्यूम द डिफरेंट वेट्स कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. इन्होंने कहा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, डिफरेंट वेट को उसकी डिफरेंट उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं. कॉस्ट मल्टीप्लाई कर हम निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, 62 नंबर. अ कंपनी हैज करंटली 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एंड इट्स अर्निंग्स रुपीज 1,80,000 एंड मार्केट प्राइस 198, ग्रोथ रेट 10%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो सबसे पहले ईपीएस निकाल लेंगे. 1,80,000 10,000 इसकी नंबर ऑफ शेयर है तो 18 हो जाएगा. एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या हो जाएगा, ग्रोथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी अर्निंग पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर, ये आपका आंसर हो जाएगा 10%. ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं. देखिए द वेटेड वेट्स आर द सेट टू बी बुक वैल्यू वेट्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज आर एसर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ. बुक वैल्यू का वेट जो निकालते हैं वो क्या होता है, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर. तो बुक वैल्यू का वेट निकालने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, फेस वैल्यू यूज किया जाता है. ठीक है, अब देखिएगा वेट्स में भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो वेट्स होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट वेट ऑफ डेब्ट, जो वेट होता है ये दो तरीके से लिया जा सकता है. एक तो बुक वैल्यू पे लिया जा सकता है, एक मार्केट वैल्यू पे लिया जा सकता है. तो इन्होंने क्या कहा, द वेट्स टू बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू. ठीक है, ये भी है. अब बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड्स, तो दोनों हो जाएगा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, इसीलिए बोथ ए एंड बी आ जाएगा. ठीक है, अब देखिएगा कैन बी डिफाइंड एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल का जो कॉस्ट होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ फंड्स. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 में देखिएगा, इन्फॉर्मेशन कॉस्ट बोथ इंक्रीज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिड्यूस द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है लेकिन ये ट्रू है, आपको समझिएगा, माइंड में रखिएगा. डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्स नो डायरेक्ट कैश आउटले एंड कैन बी सेफली इग्नोर्ड. नहीं, डिप्रिसिएशन को हम इग्नोर नहीं करते हैं. डेप्रिसिएशन पे क्या होता है, टैक्स की बेनिफिट होती है जो कैपिटल बजटिंग में आपको समझाऊँ. कैपिटल बजटिंग में आपको समझा, डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट व्हिच इज नॉट कैश कॉस्ट आइटम बट देयर इज अ टैक्स बेनिफिट, है ना. तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. टैक्स की बेनिफिट के लिए उसको इन्वेस्टमेंट का पर्पस माना जाता है, टैक्स बेनिफिट के लिए. ठीक है, 68. द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी लेस इलास्टिक फॉर लार्जर फर्म. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस इलास्टिक नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है चाहे वो स्मॉलर फर्म हो चाहे बिगर फंड्स हो. ठीक है ना, ये बी पार्ट आंसर हो जाएगा. 68 फिर से हो गया, बी पार्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिएगा इन प्रैक्टिस द कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी आर ज्वाइंटली रेदर देन इंडिपेंडेंट डिटरमाइंड.
एग्जैक्टली इन्होंने एकदम सही कहा। हम कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को वेट ऑफ डेब्ट से प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करके हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ट्रू। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू रिप्लेस वर्न आउट और डैमेज इक्विपमेंट टेंड टू हैव अ लो लेवल ऑफ रिस्क। जब आपके पास कोई डैमेज इक्विपमेंट है उसको आप रिप्लेस कीजिएगा तो डैमेज तो ऑलरेडी था तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है, ये करेक्ट है आपका। एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले वेट निकालेंगे तो 30 लाख है तो 1/3, 1/6, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। वेट आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 12% दिया हुआ है, 10% प्रेफरेंस दिया हुआ है, 8% लोन दिया हुआ है, टैक्स रेट 50 है, तो लोन का 8% 1 - 0.5 तो ये 4% हो जाएगा, तो 4 1/2 दिस यहाँ पे ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, जो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने कहा अ कंपनी हैज ऑन बुक द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ द स्पेसिफिक कॉस्ट दिस, डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बुक वेट्स, बुक वेट्स मतलब बुक वैल्यू वेट्स, ये हो जाएगा आपको ये, तो इसका टोटल 13 लाख है तो 4 1/30 ये आपका वेट्स हो गया बुक का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी कॉस्ट दी हुई है ऑलरेडी, तो हम ये फॉर्मूला लगा के हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे 11.1%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट द एक्सेप्टेड डिस्काउंटिंग रेट फॉर द इवेल्युएटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपको कैपिटल बजटिंग में मैं बताऊंगा कि जब आपको हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पैसा आता है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1+R, तो ये R जो होता है वो वेटेड कॉस्ट होता है। इन्होंने कहा कि द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉट, नहीं वेटेड कॉस्ट ही लिया जाता है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही लिया जाता है, नॉट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। जब डिस्काउंटिंग यूज करने के लिए वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया जाता है, इन्होंने कहा नॉट लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, इसीलिए फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए, एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू अर्निंग 30 पर शेयर विच इज ग्रोइंग 8% एनुअली, कंपनी फॉलो द फिक्स पेमेंट 50%, यहाँ पे 50% डिविडेंड देना, मार्केट प्राइस पर शेयर 300, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, डिविडेंड इतना हो जाएगा, ग्रोथ रेट ये है, तो 13% आंसर हो जाएगा। 75, एबीसी लिमिटेड हैज एक्सपेक्टेड ईपीएस अर्निंग 30 है विच इज ग्रोइंग 8% एनुअली, कंपनी फॉलो द फिक्स पेमेंट 50%, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 300, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी, यहाँ पे न्यू इक्विटी है तो फ्लोटिंग कॉस्ट होगा, फ्लोटिंग कॉस्ट आपको कितनी है 5% है, तो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 13.26, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है ऑक्सफोर्ड कंपनी हैज द कंपाइल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्विंग दी, आपको बुक वैल्यू वेट है, मार्केट वैल्यू है, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, तो ये वेट्स आपको यूज करनी है, ये मैंने यहाँ पे वेट्स निकाला, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ का ये फॉर्मूला होता है 8.7, ये आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो देखिएगा, 77 नंबर, द माउंटेनर एयरलाइंस कंपनी हैज कंसल्टेड विथ इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड डिटरमाइंड दैट दे कुड इशू न्यू डेब्ट विथ यील्ड 8%, न्यू डेब्ट विथ यील्ड 8%, माउंटेनर मार्जिनल टैक्स रेट 39%, व्हाट इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट रेट 1 - टैक्स रेट, funds required for a business may be classified as long term or short term, exactly business के लिए जो working capital होता है वो short term के लिए होता है, fixed assets के लिए होता है जो long term होता है, तो दोनों तरीके से capital चाहिए आपको business के लिए, ठीक है, तो true है ये।
फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू बी वर्थ वाइल द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन आवर कॉस्ट कैपिटल। हमारी कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए कमाने की रेट ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा कंपनी इशूड 1,20,000 10% डिबेंचर ऑफ द कंपनी 10, ठीक है, द प्रीमियम 10%, 10% प्रीमियम पे इशू किया गया, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट 4%, द रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल टू द कंपनी 55%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट। तो यहाँ पे फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट, नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड में 100 फेस वैल्यू है, फ्लोटिंग कॉस्ट यहाँ पे 10 रुपया पे 10%, डिबेंचर अब रुपीज 10 ये 80, तो आपको 1 रुपया हो गया। यहाँ पे इतना फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी है 4% है, तो ये हो जाएगा 4.26 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका 81, सूर्या इशूड 4,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 इज डिस्काउंटेड 5%, 5% डिस्काउंट है, रेजिंग कैपिटल 8,000, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इतना, और फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी है इसकी, सूर्या लिमिटेड इशू 12% प्रेफरेंस ऑफ रुपीज 100 इज डिस्काउंट ऑफ 5%, कॉस्ट ऑफ रेजिंग कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो यहाँ पे 12.90 ये 2 रुपीज आपका क्या है, यहाँ पे 12% आपकी फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट 5% है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल आर कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल आपका कितने 8,000 है, तो 8,000 है तो 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 आपको ईच पे कितना, 2 रुपया आपको फ्लोटिंग कॉस्ट हो गया, फ्लोटिंग कॉस्ट 2 रुपया हो गया, ठीक है। अब आपको ये पैसा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेट प्रोसीड में आपको यहाँ पे निकाली गई है नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट 5 रुपया है, प्रीमियम नहीं है, ये 2 रुपया आपकी फ्लोटिंग कॉस्ट आ रही है क्योंकि पैसा उठाने में 8,000 की खर्च हो रही है, तो आपको कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी कैन अफेक्ट द कैपिटल कॉस्ट थ्रू पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इस पे भी अफेक्ट करता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाई कॉस्ट ज्यादा ले लेंगे, हाई कॉस्ट वाला कैपिटल ज्यादा होगा तो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, लो कॉस्ट वाला कैपिटल कम होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। डिविडेंड की पॉलिसी पे भी आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है, पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, तो ये सारे का सारे आपको फैक्टर्स है जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है, ठीक है ना। कितने फैक्टर्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक 13% एंड बॉन्ड रिस्क प्रीमियम, बॉन्ड रिस्क प्रीमियम कितनी है 5%, यील्ड ऑन व्हाट देन रिस्क प्रीमियम आपका कितनी है 5% है, तो यील्ड भी बॉन्ड यील्ड कितना होगा, रिस्क फ्री कितना होगा, दिस बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम बॉन्ड यील्ड आपको निकाल सकते हैं, यहाँ पे 13% माइनस 5% दैट इक्वल टू 8%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, इक्विटी के बारे में। अब फोर्थ में क्या है, जनरली लोअर देन द लोअर देन एंड बिफोर कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये डेब्ट के बारे में बोला है, और यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पे इक्विटी के बारे में बोला है, यहाँ जनरली लोअर देन डेब्ट से तो लोअर हो ही नहीं सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि रिस्क टेकर इक्विटी होल्डर होता है,
तो डेप्ट से लोअर हो ही नहीं सकता है, तो ये आपको नहीं हो सकता है। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फॉर्म इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग, ठीक है ना। डी पार्ट द टू कंप्यूट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी इन अ कंपनी यूजिंग सीएपीएम इट इज नेसेसरी टू नो ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिस्क फ्री चाहिए। सीएपीएम निकालने के लिए सीएपीएम में क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ होता है। तो इसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, मार्केट रिस्क प्रीमियम होना चाहिए, तो ये सारे होना चाहिए। अर्निंग यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का नहीं होना चाहिए, अर्निंग यहाँ पे कहीं भी है नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इन्होंने क्या कहा देखिएगा, इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंपोनेंट ऑफ फर्म फाइनेंसिंग द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इम्पोर्टेंट टू विच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स रेट, किस में यूज होता है टैक्स रेट, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट की फॉर्मूला लगाने के लिए इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स रेट यूज होता है, तो डेप्ट की फॉर्मूला लगाने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर लिखे इन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल द एक्सपेक्टेड एक्सेस मार्केट रिटर्न इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है आर एम माइनस आर एम। तो उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड एक्सेस मार्केट रिटर्न इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑफ द मार्केट एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इसका डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है, पीटर ऑटो शॉप हैज अ कॉस्ट ऑफ डेप्ट 7%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 8%, द फर्म हैज इतना शेयर 1,04,000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, और इसकी प्राइस कितनी है 20, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 1,04,000 20 से मल्टीप्लाई करने के इतना हो जाएगा इक्विटी का, प्रेफरेंस का 40,000 शेयर्स किस प्राइस पे है $34 के रेट से है, तो इतना आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगा। अब बॉन्ड आपको 5,00,000 है, एक 102 के रेट से फेस वैल्यू पे बेचा जा रहा है, तो इतना हो गया। तो ये वेट आपका निकाल लेंगे हम, वेट से आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल लेंगे, बाकी कॉस्ट दिया हुआ है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज करके 9.4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89, कैमरॉन इंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ डॉलर दिस एनुअल डिविडेंड सर नेक्स्ट ईयर मीन्स D1 आपको कितना हो गया $1.30, मार्केट प्राइस आपका इतनी है, ग्रोथ रेट 3% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो 8.24 हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वही बात है जनरली लोअर देन द कोई तो क्वेश्चन फिर भी आया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये नहीं होता है, बाकी 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 91 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें क्या फॉर्म इज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट फॉर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ यूज, ये डेप्ट प्रेफरेंस इक्विटी रिटर्न दिया हुआ है, ये अमाउंट दी हुई है, प्रोपोर्शन दिया, वेट दिया हुआ है, यहाँ पे वेट दिया हुआ है, और ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट दिया हुआ है, और आपको कहा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, वेट ऑफ रिटर्न अर्निंग, ये फॉर्मूला होता है, ये हो गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 9.6, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इसको थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूइंग अबव क्वेश्चंस द फॉर्म 18,000 इक्विटी अब 100 ईच, करंट मार्केट प्राइस कितनी है 300 है पर से, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूमिंग दैट द मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू ऑफ वेट्स निकालने, बुक वैल्यू ऑफ डेप्ट एंड प्रेफरेंस। ये जो डेप्ट का है और प्रेफरेंस का है, ये मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू जो है वही मार्केट वैल्यू है माना है इन्होंने। आप इसकी मार्केट वैल्यू वेट निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि रिटर्न अर्निंग का मार्केट वैल्यू नहीं होता है, रिटर्न अर्निंग का मार्केट वैल्यू नहीं होता, मार्केट वैल्यू नहीं होता है। तो अगर दोनों की कॉस्ट अलग है, यहाँ पे 12% 11% है, तो मार्केट वैल्यू जो इक्विटी का आएगा, जो मार्केट वैल्यू जो इक्विटी का आएगा, उसी को हम दो पार्ट में चेंज करते हैं, इक्विटी और रिटर्न अर्निंग में, किसके रेशियो में, बुक वैल्यू के रेशियो में, बुक वैल्यू के रेशियो में चेंज करते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,000 शेयर है 300 रुपये के रेट से इसमें। तो ये जो है ये दो पार्ट है, इक्विटी का भी रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न अर्निंग का रिप्रेजेंट करता है। इसको हम दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे, तो बुक वैल्यू के रेशियो में इसको और इसको ब्रेक करेंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 54 लाख, बुक वैल्यू क्या 18 लाख, 15 लाख है, तो 18 + 15 × 18, क्योंकि इक्विटी का रेशियो में क्या 18 है, तो ये हो गया इतना। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग दिस रिटर्न कितनी है, 15 है, तो 15 के रेशियो से इतना हो जाएगा। ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 लाख, 15 लाख आपका डेप्ट का, 12 लाख प्रेफरेंस का, 81 लाख। तो वेट ऑफ डेप्ट 15/81, वेट ऑफ प्रेफरेंस 12/81, और वेट ऑफ इक्विटी 29.55/this, और वेट ऑफ रिटर्न अर्निंग ये हो जाएगा। तब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, तो 10.094 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज द क्वेश्चन, आपका इम्पोर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन में क्या मैंने बताया कि अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वेट लेना है, तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकलता है, रिटर्न अर्निंग का नहीं निकलता है। अगर रिटर्न अर्निंग का इक्विटी की कॉस्ट अलग है, जैसे यहाँ पे कितनी कितनी परसेंट है, यहाँ पे 12% है और यहाँ पे 11% है, तो अलग है। तो इस केस में टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को इक्विटी और रिटर्न अर्निंग में बांटेंगे, और बेस क्या होगा बांटने का, ये बेस होगा बुक वैल्यू का बेस होगा। ठीक है ना, उसी के बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉस्ट बहुत आसान दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिवन द फॉलोइंग फैक्ट्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिस, बीटा आपको दिया हुआ है और रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है 16%। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट द एवरेजिंग ऑफ ऑल रिस्क ऑफ द कंपनी। एग्जैक्टली सही है, सारे रिस्क को लेकर, डेप्ट के, प्रेफरेंस के, इक्विटी के रिस्क को लेकर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिस, तो ये आपकी वैल्यूज है, ये आपकी कॉस्ट है, यहाँ पे वेट निकल गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गया। यहाँ पे क्या है, द रिटर्न ऑफ द दिस कॉर्पोरेशन रिलेटेड टू द वोलेटिलिटी रिफ्लेक्टेड टू द कंपनी बीटा, बीटा कितनी है 1.8, रिटर्न ऑन द दिस, ये जो आपका है ये मार्केट है, स्टैंडर्ड मार्केट रिटर्न होता है 500 स्टॉक का, तो 12% है, दिस इज द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, दिस इज द बीटा एंड एक्सपेक्टेड टू लेवल दिस रिस्क फ्री, दिस इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे हो जाएगा 16.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द पेड द डिविडेंड, ये डिविडेंड पेड किया, तो डी यू जीरो हो गया लास्ट ईयर, एंड स्टॉक इज करंटली सेलिंग इस प्राइस पे सेल किया जा रहा है, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ग्रोथ रेट इतना है, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला, क्योंकि डी वन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, के इक्वल टू डी वन ई जीरो प्लस जी, और डी वन इक्वल टू क्या होता है डी जीरो वन प्लस जी। ठीक है, इसके बेसिस पे ये हमारे पास 12.8 आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, तो इस तरह हमने सारी स्कैनर में जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है सी एस एक्सक्यूटिव एफ एम का, वो मैंने आपको बनाया, कॉस्ट ऑफ हम डिविडेंड पॉलिसी का भी बनाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।